ओके सो लेट मी रीस्टार्ट और थोड़ी सी देर बाद इसको कंप्लीट कर लेते हैं. सो वी वर टॉकिंग अबाउट द ब्रेक एंड सर्चिंग. तो ब्रेक में बेसिकली स्टेटमेंट को उसने ब्रेक कर दिया. जहां पे उसको ये कंडीशन ट्रू मिली उसने उसको प्रिंट किया. उसके बाद उसने कहा क्योंकि अब मैं सर्चिंग वाले एग्जाम्पल के तहत अब आई फाउंड माई एंड, तो मुझे अब आगे जाके बाकी एरे के एलिमेंट्स को रीड करने की जरूरत नहीं है, इसीलिए वो ब्रेक इस्तेमाल करता है. So it will break here and come outside. तो उसने वहीं पे ब्रेक कर दिया और बाकी के एलिमेंट्स को उसने प्रिंट ही नहीं किया. ये वाले जो प्रिंट हो रहे ऑब्वियसली रिवर्स ऑर्डर में दूसरे लूप से प्रिंट हो रहा है. वी कैन हाइड दैट एज वेल. ठीक है, मैं इसको हाइड भी हम कर सकते हैं. तो ये हाइड हो गया हमारे पास. कंट्रोल एस. नाउ यू सी ओनली यहाँ पे ब्रेक हो गया. तो ब्रेक समटाइम्स हम यूज करते हैं लूप को ब्रेक करने के लिए. बट ब्रेक और कंटिन्यू दोनों लूप के अंदर विद इन इफ के अंदर होते हैं. दोनों की कंडीशंस में ये चीज आती है. आई बिलीव दैट एक तो हम लूप के अंदर इस्तेमाल करते हैं मोस्टली या फंक्शंस के अंदर एज अ लास्ट स्टेटमेंट के तौर पे कि फंक्शन के एग्जीक्यूशन को ब्रेक करना. ठीक है, इन अदर वर्ड सिंपली ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर जरूर आता है. कंटिन्यू भी इसी तरह से लूप के अंदर आता है. कंटिन्यू क्या करता है कि लूप को ब्रेक करके लेकिन लूप को कंटिन्यू रखता है ताकि उसके बाद वाली चीज नहीं एस्केप हो जाए और आगे चीज प्रिंट हो जाए. तो इन दिस केस अगर मैं ब्रेक को कमेंट कर दूं और कंटिन्यू को वापस अनकमेंट करूं, कंट्रोल एस करूं, तो नाउ चेक द आउटपुट. अब क्या हो रहा है? हाँ, अब क्या हो रहा है कि इंस्टीट्यूट प्रिंट किया, फिर उसने हेलो प्रिंट किया, फिर एंड प्रिंट किया, एंड के बाद कंटिन्यू हुआ. कंटिन्यू का मतलब ये कि लूप को फिर से वापस ऊपर ले जाओ और लूप के बाद वाली जो स्टेटमेंट्स हैं उसको एग्जीक्यूट ना करो. तो लूप के बाद वाली जो स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट नहीं हुई. सॉरी, ये वाली, ये हेलो जो है वो इस एंड के बाद प्रिंट नहीं हुआ. फिर ऑफ के बाद हेलो प्रिंट हुआ, इन्फॉर्मेशन के बाद हेलो प्रिंट हुआ, फिर कुछ नहीं प्रिंट हो गया. कुछ नहीं क्यों प्रिंट हो गया? अच्छा सॉरी, मैंने यहाँ पे कुछ नहीं डाल दिया था. ठीक, फिर यहाँ पे इसके बाद भी हेलो प्रिंट हो गया, टेक्नोलॉजी के बाद भी हेलो प्रिंट हो गया. गॉट इट? तो एवरी टाइम यू हैव अ वर्ड तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट जरूर हो रहा है, लेकिन फॉर दिस इफ ओनली जब उसको एंड मिला तो उसके साथ हेलो प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि एंड के बाद उसने कंटिन्यू किया. लूप को यहाँ पे ब्रेक करके वापस कंटिन्यू कर दिया. तो समटाइम्स कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जब हम चाहते हैं कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाए, आगे की स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट ना हो, वहीं पे ब्रेक हो जाए. ठीक, उसके लिए फिर हमारे पास कंटिन्यू आता है. ब्रेक इटसेल्फ लूप को तोड़कर बाहर आ जाएगा, उसके बाद कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा. कंटिन्यू कहते हैं कि उसके बाद वो की स्टेटमेंट सिर्फ उस एक दफा ना हो, बाकी फिर दफा दोबारा से हो. तो एक दफा लूप को तोड़ने के लिए कंटिन्यू यूज किया जाता है. परमानेंटली ब्रेक करने के लिए हम ब्रेक स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, आई होप इट एक्सप्लेन्स द कॉन्सेप्ट. नाउ एनी अदर क्वेश्चंस बेटा? अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम सर. असा अपना पढ़ियो सी ते स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज वा हुंदी है जे में कंडीशनल वगैरह अपना लूप्स वगैरह यूज ना करना. सर जावास्क्रिप्ट में पाण ते यूज क्यों हुंदा सर? कोनी की स्क्रिप्ट लैंग्वेज छो ता चाऊ पा बेटा. HTML स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज. स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के ये जरूरी नहीं है कि उसमें जो हमारे पास बिल्कुल कंडीशंस वगैरह ना हो. समटाइम्स स्क्रिप्टिंग या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती हैं उसमें होता है कि वो लॉजिकल डिसीजंस के साथ साथ वो सिंटैक्स रूल्स और वो इंडिपेंडेंटली काम करती है. जावास्क्रिप्ट इंडिपेंडेंटली काम नहीं करती प्रॉपरली. उसके लिए फिर हम नोड JS वगैरह पे थोड़ा जाते हैं जो इंडिपेंडेंस में काम करता है आउटसाइड द ब्राउजर. पर उसके लिए भी कुछ चीजें डिपेंडेबिलिटी के ऊपर हमें काम करना पड़ता है. टिपिकली स्पीकिंग जावा को हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं क्योंकि वो स्टैंड अलोन खुद से अकेले काम करती है. ठीक है, और उसमें इफ एल्स कंडीशन, APIs, लाइब्रेरीज, लॉजिकल कंडीशन सब चीजें मौजूद होती है. जावा स्क्रिप्ट को हम स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कहते हैं. फर्स्ट थिंग वो कंपाइल नहीं होती, वो लाइन बाय लाइन इंटरप्रेट होती है, वो ब्राउजर के अंदर रीड होती है, वो इंडिपेंडेंटली काम नहीं करती. ठीक है, बेसिक उसकी इमेज बताइए. HTML हो गई. HTML सिंपल ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेजेस हैं, वो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कहलाती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होती. वजह उसकी मेन यही है कि वो भी अगेन लाइन बाय लाइन, कोड बाय कोड आपका एग्जीक्यूट होता है, कोड कंपाइल नहीं होता, इंटरप्रेट होता है, ब्राउजर उसको एग्जीक्यूट करता है. तीसरी चीज ये होती है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की एक डेफिनेशन ये भी आती है कि वो कंपाइल होने के बाद एक दूसरी एग्जीक्यूटेबल फाइल या बाइनरी फाइल जनरेट करके देता है. ठीक है, जो मशीन लैंग्वेज के अंदर डायरेक्टली इंटरप्रेट होती है. फॉर एग्जाम्पल जावा को जब हम कंपाइल करते थे तो बाइट कोड फॉर्म में क्लास फाइल जनरेट होती है. C++ exe जनरेट करता है. C# फाइल इस तरह से एग्जीक्यूटेबल जनरेट करता है. विंडोज की सारी एग्जीक्यूटेबल्स भी फाइल जनरेट होती है. वो प्रोग्राम्स कंपाइल होते हैं, उनकी एक मशीन लैंग्वेज रीडेबल एग्जीक्यूटेबल फाइल या बाइनरी फाइल जनरेट होती है.
स्क्रिप्टिंग में फिर ये लफ्ज भी आ जाता है कि स्क्रिप्टिंग की मशीन लैंग्वेज या बाइनरी फाइल्स नहीं बनती, वो कोड डायरेक्टली ब्राउजर रीड करता है और एग्जीक्यूट करता है, आउटपुट जनरेट करता है, वो ब्राउजर रीड करता है, मशीन लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। इस वजह से भी जावास्क्रिप्ट को हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं कहते, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कहते हैं, क्योंकि उसका कोड कंपाइल होकर मशीन लैंग्वेज में नहीं जाता, डायरेक्टली ब्राउजर के ऊपर ही एक्चुअली रन टाइम पे हर यूजर उसको एग्जीक्यूट कर रहा होता है। ठीक, बाकी अगेन हर कोई अपने तरफ से, बहुत सारी डेफिनेशन है, तो आप थोड़ा जरा गूगल करोगे तो आपको दूसरे हिसाब से भी डेफिनेशन मिल जाएंगी कि इसको हम स्क्रिप्टिंग क्यों कहते हैं। मेरी जो मैंने समझा है उसको मेरी नजर में ये ठीक है। उसके बाद और कोई बेटा? यस सर, सर जने ऐसे फंक्शन टाइम पे तो फंक्शन का वो फंक्शन नालोड इन आयो जने थी फंक्शन के तमा कॉल के बा मना बटन ऑन क्लिक इवेंट के जरिए या सर सिंपली असा जी जावा में या सी प्लस प्लस में मना क्लास होंदो सिंपली ऑब्जेक्ट आई करे ऑब्जेक्ट संगड़ फंक्शन की कॉल करना सी वो फंक्शन एग्जीक्यूट थी में छा सर या पॉसिबल आए नहीं में जावा स्क्रिप्ट में? ऑब्वियसली बच्चा फंक्शन जरे क्रिएट, फॉर एग्जांपल हेड The document he dot write is a function, is a method. तो यहाँ पे भी हम वही चीज कर रहे हैं कि इस write method को call कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से JavaScript के अंदर बहुत सारे functions मौजूद हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं और जरूरी नहीं कि हम हमेशा उनको on click के ऊपर ही call करें। Okay, we can call them anywhere else as we want. मेरे ख्याल में से मैंने शायद functions को यहाँ पे बनाया था, ये functions convert आ गया। मैंने कन्वर्ट को यहाँ पे डायरेक्टली कॉल किया, बटन के ऊपर तो कॉल थोड़ी किया। ओके, आई बिलीव इसका मैंने प्रोग्राम लेक्चर भी बना के रखा था। ये फंक्शन हमने बनाया, उस फंक्शन को हमने यहीं पे कॉल किया, जो वैल्यू आएगी जवाब उसको हमने रिटर्न करा दिया, तो रिटर्न आंसर। ये पूरा प्रोग्राम मैंने इसका अभी वीडियो लेक्चर बना के रखा हुआ। तो फंक्शन हम अपने भी बनाते हैं और बिल्ट इन बहुत सारे फंक्शन अवेलेबल है। कुछ ऑब्जेक्ट के तहत, क्योंकि ये मैंने सिंपल फंक्शन था तो मैंने इसको अपने कोड के अंदर डायरेक्टली कॉल करा दिया। आई वॉन्ट, मैं इसको जो है बटन के साथ भी कॉल करा सकता हूँ, लेकिन लास्ट में नहीं है। ठीक है, इसी बात पर वापस आ जाते हैं। इफ आई कम बैक हियर एंड इसमें एक चीज होगी एनालिटिक्स। ठीक, आई होप यू कैन सी दिस स्क्रीन शेयर की हुई। ठीक है, अब ये जावास्क्रिप्ट के मैंने सारे लेक्चर्स रखे हुए यहाँ पे, तकरीबन उन तमाम चीजों को हमने डिस्कस किया हुआ है, बट उसको अभी तक आपकी क्लास के मतलब किसी ने अभी तक देखे नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मुझे व्यूज बताए जा रहे हैं कि भाई ये लेक्चर्स 12 13 इसको सिर्फ 33 बच्चे ने, किसी ने 60 बच्चे ने, 40 ने, मैं इसको पढ़ा रहा हूँ, मेरे हिसाब से सिखा रहा हूँ, आपके भी क्लास के 10 12 लोगों ने भी इस लेक्चर को देखा नहीं है। मतलब बच्चा ये इसका मतलब वही हो रहा है कि सिर्फ 10% बच्चे इसको मैक्सिमम वीडियो देख रहे हो, बाकी तो इसको आप पढ़ ही नहीं रहे हो। नो सर, सर सा डायरेक्ट YouTube ता दिसनायो, मतलब तहां जे को चैनल खोले कर उसका डायरेक्ट दिसनायो, कहीं से भी आप देखेंगे तो वो व्यूज तो मेरे पास यहां पर आ जाएंगे। मेरे पास जो व्यूज आ रहे हैं उसके हिसाब से सिर्फ 30-35 का मतलब बच्चे अक्सर जो हैं वो इसको देख ही नहीं रहे। ठीक है, तो यहाँ पे हम मॉनिटरिंग हो रही होती है, उसके बाद जो मॉनिटरिंग अंदर आई थिंक वो मुझे इतना भी बताता है कि कितने यूसेंस से देख रहे हैं, कितने कहाँ पे, तो वो रेशो जो है वो बहुत कम है। सो पॉइंट ऑफ सेइंग इज कि आई कैन सी हियर कि बहुत ज्यादा बच्चे जो हैं वो इसको नहीं देख रहे। इनफैक्ट वो मुझे जो है एनालिटिक्स में भी जाके बताते हैं कहाँ पे कि पूरा इसका एक स्टैटिक्स मैंने भी कहाँ देखा था कि कहाँ से ट्रैफिक आ रही है, तो उसके हिसाब से भी वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ पीपल आर एक्चुअली वॉचिंग। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी हियर कि ओनली 28% यूट्यूब से यूसन से मेरे पास जो LMS के थ्रू आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब सिर्फ बहुत कम बच्चे हैं जो वीडियो देख रहे हो, और अगर आप लेक्चर्स नहीं देख रहे हो तो फिर तो ये किसी काम के नहीं रहे। मेरी इतनी वीडियो में क्वारी होती है आपको अंदाजा नहीं कि एक वीडियो लेक्चर बनाने में, फिर उसको एडिट करने में, और लाइटिंग के इशूज, और हमने आप जुगाड़ लगाए हैं यहाँ पे आर्टिफिशियल ताकि चेहरे सही से नजर आए, लाइट सही से नजर आए, माइक्स खरीदे हुए, नॉइस कैंसिलेशन की हुई है, और उसके बाद पता चलता है कि आप लेक्चर देख ही नहीं रहे हो। ठीक है, तो एक वो 20 मिनट की वीडियो हमें एक घंटा लग जाता है उस पर काम करने में, एडिटिंग करनी पड़ती है। तो काइंडली डू वॉच दिस लेक्चर सो दैट वी अंडरस्टैंड कि आप एटलीस्ट लेक्चर तो देख रहे हो,
बिकॉज जो एग्जाम इसका होगा ना बच्चा, एग्जाम जो होगा वो अब इसका बड़ा खतरनाक तरीके से होने जा रहा है, ठीक है। इवन मैंने जब पीएचपी के 5 लेक्चर्स देख रखे हैं तो उसको तो खैर अभी मैं फिलहाल काउंट ही नहीं कर रहा, लेकिन जावास्क्रिप्ट एरेज का जो पूरा लेक्चर था उसको सिर्फ अभी तक 25 लोगों ने देखा है, ठीक है। इसका मतलब आपकी क्लास की अगर मैं उठाऊं तो 25 तो नहीं हो सकते, क्योंकि यूसेन से सिर्फ 28% एवरेज आ रही है। इसका मतलब सिर्फ 6-7 बच्चों ने ये वीडियो देखा है अभी तक और बाकियों ने तो देखा ही नहीं है। सर नेट स्लो होती है, बफरिंग ज्यादा होती है, हम डाउनलोड करके फिर देखते हैं। तो बेटा डाउनलोड में भी तो वो व्यू तो मुझे मिलेगा ना, पता तो चलेगा कि कितने बच्चों ने डाउनलोड किया। मैं वही तो कह रहा हूँ कि उसके हिसाब से स्टार्ट ही नहीं आ रहा। तो बहरहाल अगेन मैं वही रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली वॉच द वीडियो लेक्चर्स, डाउनलोड भी करेंगे तो एक दफा उसको व्यू जरूर आएगा तो वो काउंट हो जाता है, ठीक है। एक एक दफा डाउनलोड करेंगे तब भी तो पता चले। इसका मतलब ये कि अब एरेस के लेक्चर सिर्फ 25 लोगों ने देखा है, स्ट्रिंग्स वाला सिर्फ 32 लोगों ने देखा है। अब वो भी एग्जैक्ट नंबर मुझे नहीं पता चल रहा, ठीक है। आई थिंक मैं इसके अगर एनालिटिक्स में जाऊं तो ज्यादा हमें पता चल सकता है, मुझे अभी मैं इसको ज्यादा घुसा नहीं, लेकिन दिस इज अ वेरी स्मॉल नंबर ऑफ ट्रैफिक, मीन्स कि आप लोग उसको नहीं देख रहे, ठीक है। तो बराए कराम वीडियोस को जरूर बच्चा देखो, ताकि फिर मैं मुझे एटलीस्ट इतना पता चले कि जो मैं मेहनत कर रहा हूँ आप लोग उसको फॉलो अप जरूर करें, वरना फिर ये जो सब जो मेहनत है ना हमारी जाया जाएगी, ठीक है जी। बच्चा सर हम LMS से सर एसेस नहीं करते सर, हम डायरेक्टली आपके YouTube चैनल से एसेस करते हैं। तो डाउनलोडेड वीडियोस पड़ी हुई है सर, हम लाइव नहीं देखते। चलें मुझे वही कहा ना कि मेरे हिसाब से जो ट्रैफिक कम है अभी सिर्फ 20-25 व्यूज है, तो ये मैं IT में मॉर्निंग में पढ़ा रहा हूँ, इवनिंग में पढ़ा रहा हूँ, सॉफ्टवेयर मॉर्निंग इवनिंग में पढ़ा रहा हूँ, तो चारों क्लासेस के बच्चे मिला के कम से कम 300-350 स्टूडेंट्स हैं, तो इतने तो व्यूज होने चाहिए कि एक एक दफा जिसने इसको डाउनलोड करने के लिए भी खोला होगा तो होना चाहिए। अभी तक इसका मतलब सिर्फ सर आप, है, तो या तो आपकी क्लास में इवेंचुअली कोई नहीं देख रहा या बहुत कम बच्चे देख रहे हैं, ठीक है। सर आपकी 3 वीडियोस रहती हैं बस सर, PHP वाली जो कल आपने अपलोड की, बाकी सब देखी हुई। चल अच्छी बात है, अगर आप लोगों ने देखी है, पर अगेन जिन्होंने नहीं देखी बेटा वीडियो लेक्चर्स तो देखो, ठीक है, क्योंकि सारे टॉपिक्स जो बातें हम कर रहे हैं उसमें मैंने डिस्कस की हुई है और वो आपको देखना लाजमी है ताकि कोर्स आपका कवर हो, फिर एग्जाम के टाइम पे जो है ना बड़े मसले हो जाएंगे हमारे, ओके। सो इट्स एसेंशियल कि काइंडली आप जो है सीरीज को थोड़ा सा फॉलो करो। बाकी अगर आप जो है वीक 13 के अंदर जाएंगे LMS के अंदर भी क्या हो गया, ठीक वीक 13 के अंदर जाएंगे तो यहाँ भी मैंने PHP के वीडियोस भी डाल दिए हैं, और साथ में कोर्स मटेरियल के अंदर जाएंगे तो मैंने PHP का हैंडआउट भी इसमें रख दिया, ठीक है। इसके अंदर मोस्टली तकरीबन सारे टॉपिक्स PHP के भी डिस्क्रिप्टिवली कवर्ड हैं, बहुत सारी चीजें इसमें हैं, ठीक है। सो डू फॉलो दिस हैंडआउट एज वेल, मैंने अभी इसका असाइनमेंट नहीं रखा, होपफुली नेक्स्ट वीक तक मैं असाइनमेंट अपलोड कर दूंगा, ठीक है। PHP के वीडियोस हैं, काइंडली उसको जरूर देखिएगा ताकि मैं हम उसको जो फीडबैक ले सकें, ओके। एनी अदर क्वेश्चन तो फिर एंड करते हैं, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। यस सर, ठीक है। अगेन फिर मैं ये बोलूंगा कि किसी को बेटा क्वेश्चन है ना तो वो या तो अगर आप यूट्यूब पे ही देख रहे हैं तो उसी के कमेंट्स में डाल दो, क्योंकि जब आप यूट्यूब के कमेंट में डालते हो ना तो उसकी डायरेक्ट नोटिफिकेशन मेरे पास आ जाती है फॉर एवरी वीडियो। तो जो वीडियोस आप देख रहे हो या तो उसी वीडियो के नीचे कमेंट्स में डाल दो कि वी हैव नो प्रॉब्लम सर, वीडियो समझ में आ गई यूट्यूब के ऊपर ही, ताकि मुझे उसका एक रेशो पता चल जाए। फिर प्रॉब्लम्स आ रही है ना, जैसे अभी एरे समझ में नहीं है तो एरे वाले वीडियो में सर ये टॉपिक समझ में नहीं आया दोबारा बता दें, तो उसमें मुझे क्या होगा कि मेरे पास डायरेक्ट नोटिफिकेशन आ जाती है। LMS को मुझे चेक करना पड़ता भी, LMS में नोटिफिकेशन नहीं है तो वो थोड़ा शायद स्लो हो जाते हैं या सुस्त हो जाते हैं हम लोग। मे बी मैं जैसे अभी लास्ट 3 दिन के बाद मैं अभी LMS को चेक कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि डिस्कशन में किसी ने क्या चीज रखी थी, तो शायद मैं रिस्पांस लेट करूं। तो यूट्यूब का ये है कि हमारे पास डायरेक्ट नोटिफिकेशन आ जाती है। तो अगर कोई प्रॉब्लम है समझ में नहीं आ रही ना और मुझे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करना है तो या तो व्हाट्सएप कर दे तो मैं आई विल ट्राई टू रिप्लाई, बट व्हाट्सएप पे भी प्रॉब्लम ये हुआ है कि वही 400 बच्चों के पास व्हाट्सएप नंबर शेयर है, वो 400 इतने मैसेज हैं, फिर हमारे पास अभी यूनिवर्सिटी के और ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ 20-25 ग्रुप्स बने हुए,
तो डेली के हमारे पास ऑलमोस्ट समझो एक इतने मैसेज होते हैं कि अब वो मैं रिस्पॉन्स उसमें बहुत लेट हो गया, ठीक है। तो अब ऑनलाइन की वजह से जो है ना आप सारा दिन एक तो आप इस मसले में रखे हुए। तो अगेन इफ यू हैव प्रॉब्लम्स व्हाट्सएप, इफ यू सी आई एम नॉट रिप्लाइंग ऑन व्हाट्सएप, डू लीव अ कमेंट ऑन यूट्यूब वीडियो, उसकी मुझे एक अलग से पॉपअप नोटिफिकेशन आ जाती है, ठीक है ना। तो आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड विद दैट। तो मुझे जब नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि भाई ठीक है किसी को प्रॉब्लम है ना, तो आई विल एटलीस्ट ट्राई टू रिस्पॉन्ड एंड अप्लाई विद दैट, ठीक है। एंड देन इफ यू हैव नो प्रॉब्लम एज वेल, तब भी अब मैं कहूँगा कि यूट्यूब पे जरा सा वीडियोस को जरूर कमेंट जाके करो ताकि मुझे पता चल जाए, ठीक है, सारी वीडियोस के ऊपर। चलें ठीक, थैंक यू वेरी मच, इंशाल्लाह फिर जो है नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं सर। यस सर, 12 नंबर जी का लेक्चर जाओ, स्क्रिप्ट और सराउंडिंग में क्वेश्चन है। यस बच्चा, सर जदे असि मना यो फंक्शन टाइम पावर यो फंक्शन सर असि मना असाइन के ऊपर डेटा टाइप मना जो वेरिएबल लिखी मा डेटा टाइप सर जमा उनके असाइन के उन रिंग का बात तमा वरी उनके प्रिंट कराए पे सर आउटपुट कुछ डिफरेंट है सर, वो समझ में ना आए उनके कैंड एक्सप्लेन कर जो। अच्छा हिन ली मेरे 12 बारे में, जी सर 12 बारे में, ठीक इन में छा समझ में ना आयो फिर इन में यो समझ कौन आयो तो फंक्शन और यू असाइन के ऊपर डेटा टाइप के माना वेरिएबल जो डेटा माना माय डेटा नाले से एक वेरिएबल डिक्लेअर किए हुए उन्हीं के असाइन के ऊपर पर उनकी जो प्रिंट कराए पान सर वो समझ में कौन अचे पियो। अच्छा I believe this is the code that I used here. वो hangman game जैसे मैं सायुज कहीं से। नो सर, hangman game कौन है सर? अगले पॉइंट में। ये वाला example है। हाँ सर, ये और ये सर ये ही हो जो। नहीं, image की change भी थी, नहीं भी गाल क्यों? नो सर, इन्हीं का अगले जो को तमाक ही हो पान इनका पर hangman पर तमाक बाद में ठाई हुई। अच्छा। ये form ये समझ में अच्छी वजह इनका अगले जो को तमाक ही हो पान मना जिकने वीडियो तो आ अल्लाह से को डिसी से को ये वारो एग्जांपल है। अच्छा मार वीडियो रिसाम बचा मुके एग्जैक्ट याद पर जे केडी प्रॉब्लम देता हूं इन दिस वीडियो आई एम गोना क्रिएट दिस ईबुक इन जस्ट 2 मिनट्स डायरेक्टली। वेलकम टू, and then we printed that variable. Once you print that particular see, I think he has started. ठीक है, हां हिन में ताके समझ में आयो ना? यस सर, ठीक हिन में ऐसा बेसिकली बचा कैसे से चाह पे जो लेकिन इनफैक्ट निकल सर सॉरी सिंपली स्क्रिप्ट है बॉडी H1 हेलो ही अचीव हेडिंग पैराग्राफ 2 बिचू ये थ्री यार ओके फर्स्ट थिंग डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी या द गाल सन में अचीव पैराग्राफ 1 जो पसंद आयो से उन्हें कंटेंट के चेंज कर। Yes sir, yes sir. Variable my data document dot get element by id paragraph. This example showed that you can read an element. उन element की जो value है, जो element है, उसको किसी variable के ऊपर भी assign कर सकते। For example, इसमें जब हमने document और element by id किया था, तो वो उस paragraph के अंदर गया, paragraph को read किया, फिर उस paragraph की inner HTML को हमने वहीं पे direct change किया, equal operator के तहत। ठीक, कि एक ही लाइन के अंदर मैंने कहा कि डॉक्यूमेंट में जाओ, उसमें एक एलिमेंट है पैरा वन, उसको रीड करो, उस पैरा वन की इनर एचटीएमएल को चेंज करो इस वैल्यू के साथ। यहां पे हमने क्या किया, थोड़ा कान को दूसरी तरीके से पकड़ा है। हमने कहा कि यार डॉक्यूमेंट में जाओ, गेट एलिमेंट बाय आईडी करो, जो यहाँ पे किया वो यहीं पे किया,
लेकिन जब एलिमेंट आईडी वो लेकर आएगा ना, उसकी इनर एचटीएमएल चेंज नहीं की, उस एलिमेंट को उठाकर हमने वेरिएबल को असाइन कर दिया। यहाँ वो एग्जांपल शो हो रहा है कि आप उस एलिमेंट को जो ये पैराग्राफ टैग रिटर्न कर रहा है उसको डायरेक्टली चेंज ना करो, उसको उठा के पहले वेरिएबल को असाइन कर दो। अब इस वेरिएबल के पास ये वाला पैराग्राफ आ गया जिसकी आईडी 1 थी, ठीक। तो अब हमने पैराग्राफ बेसिकली वेरिएबल को असाइन कर दिया, और फिर मैंने कहा डॉक्यूमेंट डॉट राइट मी एलिमेंट प्लस माई डेटा। अब उस पैराग्राफ को मैंने जो था टैग था उसका वैल्यू जावास्क्रिप्ट में प्रिंट कराने की, तो मी एलिमेंट, तो उसने मुझे बताया कि इस तरह से जावास्क्रिप्ट जो है उसको रीड कर रहा है, ठीक है। इफ आई जस्ट एड अ बीआर हियर ताकि ये हजरत न्यू लाइन पे चला जाए, तो ये चीज आपको यहाँ पर, अब वो ये बता रहा है कि यार जावास्क्रिप्ट जब आपके वेरिएबल को रीड करता है तो वो इस तरह से रीड करता है एज एन ऑब्जेक्ट। तो दिस पैराग्राफ अगेन बेसिकली जावास्क्रिप्ट जो है उसको ऑब्जेक्ट के तरह से डील करता है, तभी उस ऑब्जेक्ट की डॉट इनर एचटीएमएल एज अ मेथड अप्लाई करता है। रिमेंबर ये चीज हमने जावा के अंदर भी की थी, जावा भी प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंट कहलाता है कि एक ऑब्जेक्ट डॉट लगा उसके मेथड को एक्सेस करो बस। जावास्क्रिप्ट भी इंटरनली वही हरकत करता है कि डॉक्यूमेंट एक ऑब्जेक्ट है, डॉट लगाया एक मेथड कॉल किया, इस मेथड ने भी दरअसल एक ऑब्जेक्ट ही रिटर्न किया पैराग्राफ का टैग का। तो ये जो टैग रिटर्न हो रहा है ये टैग भी जावास्क्रिप्ट दर हकीकत एक ऑब्जेक्ट की सूरत में रिटर्न कर रहा है, इसी वजह से हम उसके ऊपर डॉट इनर एचटीएमएल लगाकर उस ऑब्जेक्ट के एक और मेथड को यूज कर रहा है। यहां पे भी वही चीज की के डॉट एलिमेंट करो, वो ऑब्जेक्ट रिटर्न किया, वो ऑब्जेक्ट हमने वेरिएबल में सेव किया, मैं सिर्फ उस ऑब्जेक्ट की वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट को प्रिंट करा रहा हूँ। तो उसने ऑब्जेक्ट को प्रिंट किया है कि यार एक्चुअली जावास्क्रिप्ट के अंदर इस पैराग्राफ को वो इस तरीके से डील कर रहा है। ये इंटरनल जावास्क्रिप्ट की समझो हमने वैल्यू समझनी चाहिए कि यार जावास्क्रिप्ट की जबान में उसने इस पैराग्राफ को किस तरह से पढ़ा है। ये चीज हमारे टेक्निकल किसी काम के नहीं, हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए, यार जावास्क्रिप्ट जो है वो आपके इस पैराग्राफ को इस तरह से पढ़ता है कि ये एक ऑब्जेक्ट है, किस चीज का, HTML का, कौन सा पैराग्राफ एलिमेंट का, ठीक। तो यहीं पे उसने डिस्क्रिप्टिवली आपको बता दिया कि भाई जो चीज मेरे पास मौजूद है उसको मैंने उसका नाम इस तरह से रखा हुआ कि वो एक ऑब्जेक्ट है HTML का एज अ पैराग्राफ एलिमेंट, बस वो मैंने यहाँ पे प्रिंट कराया जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग सेक। अब मैंने फिर उसको क्या कहा कि क्योंकि ये मेरे पास माई डेटा ऑब्जेक्ट है, अब माई डेटा ऑब्जेक्ट डॉट उसका इनर एचटीएमएल मेथड को यूज करो, ठीक। तो उस माय ऑब्जेक्ट की जो इनर एचटीएमएल हम सेट कर कराए हैं हेलो डॉम, वो हेलो को वहां पे प्रिंट करना, हेलो डॉम को, ठीक है। इफ यू वांट आप इस हेलो डॉम को यहां पे जो है पीआर कर दें ताकि न्यू लाइन पर आ जाए, ये हेलो डॉम न्यू लाइन पर, अगर आप चाह रहे हो इसको मैं बोल्ड भी कर दिया, ठीक है। तो ये हेलो डॉम पहले एक दफा नॉर्मल प्रिंट हुआ, उसके बाद जब यहाँ पर आके हमने उसको प्रिंट कराने कहा कि माय डेटा में जाओ डॉट इनर एचटीएमएल प्रिंट करो, तो माय डेटा में गया डॉट उस माय डेटा जो एचटीएमएल पैराग्राफ का ऑब्जेक्ट था, उस पैराग्राफ ऑब्जेक्ट के अंदर जो एचटीएमएल है वो क्या थी, वो अनर। तो सिर्फ आप चेंज करने के लिए नहीं, यहाँ पे मैं चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं रीड कर रहा हूँ, यार ये तो बताओ कि पैराग्राफ में लिखा क्या था। यहाँ पे आपको बता रहा है कि भैया पैराग्राफ में आपने हेलो डॉम लिखा हुआ है, ठीक है, तो वो चीज प्रिंट होगी। अगर आप ये वाली स्टेटमेंट को कमेंट कर दो, ठीक, अब अगर आके मैं प्रिंट कराना चाहूं तो सीधे यहाँ पे उसने कुछ भी प्रिंट नहीं किया, इस वाले एरो के अंदर माय एलिमेंट माय डेटा, तो मी एलिमेंट माय डेटा उसने प्रिंट किया, ठीक है। और इन अदर वर्ड इसको मैं कह देता हूँ जावास्क्रिप्ट कॉलन, ये जावास्क्रिप्ट कॉलन ऑब्जेक्ट आ गया, फिर माय डेटा इनर एचटीएमएल मैंने प्रिंट कराने की तो वो कुछ भी नहीं आया। उसके बाद हेलो टू न्यू ऑब्जेक्ट प्रिंट हो रहा, वजह ये है कि ये स्ट्रिंग जो है आपकी वो ब्लैंक है। यहाँ पे ले लिख लेते हैं फॉर एग्जांपल, तो ये पहले आईडी प्रिंट कराई, पहले जिशान भाई की आईडी प्रिंट हो गई, उसके बाद फिर मैंने कहा अब माय इनर एचटीएमएल प्रिंट करो, तो वो क्या करेगा, माय डेटा में गया, माय डेटा कहाँ से आई, ये वेरिएबल जिसने डॉक्यूमेंट आईडी ली हुई है, फिर उसका इनर एचटीएमएल उसने कहा प्रिंट करो, चेंज नहीं किया वैल्यू प्रिंट की, तो उसने उसकी वैल्यू प्रिंट कर दी। तो हम
इस एग्जाम्पल में इनर एचटीएमएल को चेंज कर रहे हैं, हम इस एग्जाम्पल में इनर एचटीएमएल को सिर्फ रीड कर रहे हैं। आप यूजिंग दिस मेथड एनी टैग के डेटा को रीड भी करते हो, चेंज भी करते हो। यही चीज मैंने जावास्क्रिप्ट के शुरू के वीडियोस में बताई थी कि हम डॉम के थ्रू इस प्रोसेस को रीड, ये डॉम बेसिकली मॉडल है, इस मॉडल को रीड करते हुए हम एचटीएमएल के कंटेंट को रीड भी करते हैं, चेंज भी करते हैं, मॉडिफाई भी करते हैं, अपडेट भी करते हैं। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ रीड किया, यहाँ पे हमने चेंज किया, ये वाला एग्जाम्पल था, ठीक, इस इनर एचटीएमएल को हमने चेंज किया, सिंपल, यहाँ पे हमने इनर एचटीएमएल को चेंज किया। ये वो एग्जाम्पल है जिसके तहत हमने ऑब्जेक्ट को रीड कराया, उसको एक और वेरिएबल में असाइन कर दिया, फिर उस वेरिएबल को इस्तेमाल करते हुए उसके कंटेंट को हम रीड कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ डूइंग इट डायरेक्टली। यहाँ पे डायरेक्टली करने की कोशिश की जाए, ठीक है, बात समझ में आई बच्चा? जी उमेर, तो सर मेरा ये क्वेश्चन है कि आपने ये डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी पैरा वन और आपने हेलो डॉम, ये डायरेक्टली आपने असेस किए इसको, आईडी पैरा वन को असाइन नहीं की वैल्यू, ये वाली ही बात कर रहे हैं, ये वाली ही बात, इसमें क्या करना है? जी सर, मैंने मेरा क्वेश्चन है कि आपने ये वैल्यू डायरेक्ट असेस की आईडी पैरा वन से, उसको आईडी पैरा वन को असाइन तो नहीं की ना वैल्यू? हाँ असाइन किए, देखो आईडी पैरा वन ये वाला पैराग्राफ, ठीक है, मैंने इसको असाइन किए, असाइन किए, वैल्यू असाइन चेंज कर दी, इनफैक्ट ठीक है, वैल्यू चेंज कर दी, अपडेट कर दी, असाइन तो एक असाइनमेंट ऑपरेटर के तर्क होता है, यहाँ पे समझो हमने उसके पैराग्राफ की वैल्यू ही चेंज कर दी, तो हमने कहा पैराग्राफ लो, उसके इनर एचटीएमएल में जाओ, अब उस इनर एचटीएमएल की वैल्यू इज इक्वल टू ये होनी चाहिए, रिप्लेस कर दी। तो अब जहां पहले भाई जिहान, अब इसको मैं अगर सेव कर रहा हूं, ठीक है, कंट्रोल एस, इफ आई कम हियर, ठीक है, तो वो हेलो डॉम प्रिंट कर दे, जहां ये रहा हेलो डॉम, तो उसकी वैल्यू को उसने रिप्लेस कर दिया, ठीक है, जहां हमने जिशान प्रिंट कराना था, जिशान से पहले ही हमने उसको कह दिया कि यार जावास्क्रिप्ट में ये चीज होनी चाहिए, इसने जिशान को प्रेस किया, ठीक है। इसी तरह से मैं यहाँ पे ब्लैंक छोड़ दिया, कंट्रोल एस, अब जब यहाँ पर आया उसने इसी कोई, पहले कोई वैल्यू नहीं थी, अब हेलो डॉम फिर भी प्रिंट कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमने उसकी वैल्यू को रिप्लेस कर दिया, इनर डॉट एच टी एम एल इज इक्वल टू ये वाली वैल्यू आर, दिस बेसिकली मीन्स दैट चेंज द वैल्यू इन साइड दिस थिंग। यहाँ पर रीड कराया सिर्फ मैंने और उसको प्रिंट करा दिया इसके साथ, ठीक है, तो वो रीड करा के सिंपली हेलो के साथ मैंने प्रिंट करा दिया, यहाँ पे रीडिंग हो रही है, यहाँ पे चेंजिंग हो गई, पहले एग्जाम्पल में हमने चेंज कर दिया, फिर उसको चेंज करने के बाद वाली वैल्यू को रीड करा दिया, हेलो डॉम टू कर देते हैं, तो अब ये हेलो डॉम टू हो गया, तो ये पहले में चेंज रिप्लेस हो गई, जो पैराग्राफ की जो भी वैल्यू थी वो एक्चुअली रिप्लेस हो गई इससे, उसके बाद हमने उसको कहा कि अब डॉम टू को कर दो, अब डॉम टू को जिसने प्रिंट किया, बस समझ आई? यस, यहाँ पे रिप्लेस भी किया, यहाँ पे रीड भी किया, आप उसको अपेंड भी कर सकते हैं, ठीक है, जैसे ये चीज है ना, ये अपेंड हो गई, इनफैक्ट कि माय डेटा प्लस ये वाली वैल्यू, ये चीज इसको अपेंड कर देगी, इनफैक्ट इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं, माय डेटा डॉट इनर एचटीएमएल प्लस एक्स्ट्रा वैल्यू फॉर एग्जाम्पल सेमी कॉलन, और अब इसको मैं इस तरह से कह सकता हूँ कि डॉक्यूमेंट डी ओ सी यू डॉक्यूमेंट में जाओ डॉट, बल्कि इसको यूं ही रहने दो ना, वो तो ऑलरेडी है, कंट्रोल एस, ठीक है, तो हेलो टू न्यू ऑब्जेक्ट, ये चीज हो गई, अब ये क्या हुआ कि माई डेटा इनर एच टी एम एल में गया प्लस उसकी वैल्यू को हमने तब्दील कर दी, और फिर उसको हम असाइन कर देंगे माई डेटा डॉट इनर एच टी एम एल इज इक्वल टू, ठीक, दिस नाउ मीन्स कि माई डेटा डॉट इनर एच टी एम एल में उसकी वैल्यू पहले रीड करो, उसको ज्वाइन कर दो इस एक्स्ट्रा वैल्यू के साथ, तो अब ये स्ट्रिंग ज्वाइन हो गई, जब ये स्ट्रिंग ज्वाइन हो जाए तो उसको दोबारा इनर एच टी एम एल में असाइन करो, अब ये न्यू स्ट्रिंग बनी और ये न्यू स्ट्रिंग इसको असाइन हो गई, अब जब इसके बाद जाके आप भाई, इस भाई को प्रिंट कराने की कोशिश करोगे, डॉक्यूमेंट सॉरी DOCU document dot write, और इसको हम कह देते हैं कि भैया आप जो है
माय डेटा डॉट इनर एचटीएमएल को प्रिंट करना, तो यहाँ पर आ गए तो ये एक्स्ट्रा वैल्यू वाली चीज प्रिंट होगी। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया कि हमने कह दिया कि माय डेटा डॉट इनर एचटीएमएल इज इक्वल टू माय डेटा इनर एचटीएमएल, जो इनर एचटीएमएल की ओरिजिनल वैल्यू है वो उठाओ, उसको प्लस कर दो एक्स्ट्रा वैल्यू के साथ। तो माय डेटा की ओरिजिनल वैल्यू उठाई, उसको प्लस कर दिया ओरिजिनल वैल्यू के साथ, तो अब ये नई स्ट्रिंग बन गई। ठीक, तो आपने उसमें वैल्यू को अपेंड कर दिया। अब ये माय डेटा कौन सा है? माय डेटा बेसिकली आपका ये वाला वेरिएबल है आईडी का। तो जब आप इसको पहले डिक्लेयर कर चुके हो और बाद में उसकी हरकतें करते जाते, ठीक, तो इवन उसकी ओरिजिनल वैल्यू जो है वो बेसिकली अपडेट होती जाती, सिंपल एज दैट। तो हम वैल्यू को अपडेट भी करते हैं, अपेंड करते हैं उसके ओरिजिनल कंटेंट के साथ, चेंज करते हैं, मॉडिफाई करते हैं। होप इट एक्सप्लेन्स आंसर। बात समझ आई बेटा? यस सर, समझ में आ गया। ठीक, अब ये हमने एग्जांपल एक्चुअली एचटीएमएल का ज्यादातर ले रहे हैं। ठीक है, मैंने फिर उसके बाद वाले एग्जांपल में कहा था कि सिर्फ एचटीएमएल नहीं है, आप उसको सीएसएस को भी चेंज कर सकते हो, आप इमेज टैग को भी चेंज कर सकते हो, आप एंकर टैग को भी चेंज कर सकते हो, आप इसी तरीके से किसी भी टैग के साथ कर सकते हो। ठीक है, इसमें भी हमने एक्चुअली पैराग्राफ टैग, क्योंकि आसान से होता है ज्यादातर एग्जांपल्स के तौर पे, लेकिन नेक्स्ट एग्जांपल में आई हैड यूज्ड द सेम थिंग विद इमेज एज वेल। ठीक है, आप इमेज को, फॉर्म को, टेक्स्ट फील्ड को, बटन को, किसी भी कंटेंट को आप चेंज कर सकते हो जावास्क्रिप्ट के थ्रू। नॉट ओनली दैट, यूजिंग द सेम मैकेनिज्म। ठीक है, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी हेडिंग वन के जाए डॉट स्टाइल डॉट कलर, हमने सीएसएस को चेंज किया। इसी तरह से मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट एलिमेंट बाय आईडी डॉट सोर्स, ये इमेज को चेंज किया, सेम कॉन्सेप्ट। तो आप इमेज के कंटेंट को भी चेंज कर सकते हो, आप स्टाइल को चेंज कर सकते हो, आप हेडर्स को चेंज कर सकते हो, आप किसी भी चीज को, एज लॉन्ग एज यू अंडरस्टैंड कि आपको रीड करना है उसको। रीड करने के लिए आपने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी एक मेथड है। ठीक है, आप गेट एलिमेंट बाय नेम भी कर सकते हैं, गेट एलिमेंट बाय जो है उसका एक और चीज थी, गेट एलिमेंट बाय नेम, गेट एलिमेंट बाय आईडी और गेट एलिमेंट बाय वैल्यू, शायद नहीं वैल्यू नहीं, एक और भी था यार, बम 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 बम, एक और चीज थी उसके तहत भी जो है हम चेंज कर सकते हैं उसको, क्या था, सिंपली गेट एलिमेंट करके भी शायद रीड कर सकते हैं। बहरहाल दो तीन मेथड्स हैं इसके, और हम क्योंकि अब एक एक चीज माइनर लेवल पे जाके जावास्क्रिप्ट तो मैं कराने से रहा, और कुछ चीज ऐसी होती है हम मेजर करवा रहे होते हैं बेटा, वरना तो सिर्फ जावास्क्रिप्ट का कोर्स ही जो है अभी हम दो तीन हफ्ते और लेके चलेंगे, इसीलिए मैंने कुछ मोटी मोटी चीजें जो है वो ट्यूटोरियल्स में कवर की हैं ताकि बेसिक हमें समझ में आ जाए। फिर अभी हम पीएचपी करेंगे तो फॉर्म वैलिडेशन हुआ एरेज का या बाकी चीजें हुई, वो अभी भी जावास्क्रिप्ट हमारी यूज होती रहेगी पीएचपी के साथ भी। और फिर एज अ सेड मैं कुछ और ट्यूटोरियल्स जो है वो शेयर कर दूंगा आपके ग्रुप के ऊपर, इसी के ऊपर, एलएमएस के ऊपर, ताकि आप उसको देख लें, वो आप उसके अंदर भी जावास्क्रिप्ट के तहत आप और चीजें कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक ये भाईजान है प्रोग्रामिंग विद मोश, आई डोंट नो वेदर यू फॉलो हिम और नॉट, बड़ा जबरदस्त बंदा है और बहुत सुस्त है, बहुत स्लो पढ़ाता है मुझे, मेरे नजदीक, क्योंकि एज यू नो मैं थोड़ा सा बड़ा बात ज्यादा तेज करता हूँ, लेकिन इसके भी बहुत अच्छे ट्यूटोरियल्स हैं। ठीक है, यू कैन वॉच अदर ट्यूटोरियल्स हियर एज वेल, और उसमें भी बहुत सारी चीजें जो डिफरेंट तरीकों से बताई जाती हैं, तो वॉच दिस ट्यूटोरियल्स। इस टाइम सारा काम ऑनलाइन ही हो रहा है, तो ऑनलाइन का मकसद ये है कि हमने यूट्यूब के थ्रू ही बहुत सारी चीजें करनी है, वो आप करो और फिर प्रॉब्लम्स आ रही है वी कैन डिस्कस दैट लेटर। ठीक है सर? यस बॉस। सर जब हम वेम पिन इंस्टॉल किया है, उन माल वार्निंग इक्लो जे एरर मैसेज सर वो उदाय हर समा के मतलब समझ ना जे इंस्टॉल किया या न किया वार्निंग से घबराने शुरू कर दे तो किया कोर्स अलग है सर पूछा उनके ओके कर छियो बस हां ओके कर दो मुझे नहीं पता वार्निंग क्या आ रही है। ठीक है, अब या तो वही बात है कि फिर उसको जो है वो YouTube के कमेंट पे या WhatsApp पे मुझे मैसेज कर दो कि सर ये वार्निंग आ रही है, मैं फिर कोशिश करूंगा वहां पे रिप्लाई करूं। YouTube पे करो यार, वहां पे फिर मैं नोटिफिकेशन आ जाएगी, WhatsApp पे बहुत मेरे पास जो है ना अभी कचरा हो गया। ठीक, चलें, थैंक यू वेरी मच बच्चा, इंशाल्लाह फिर जो है वी विल ट्राई टू डिस्कस इट लेटर ऑन। अगेन यस, एनी प्रॉब्लम डू डिस्कस, व्हाट्सएप कर दें कोई मसला नहीं, लेकिन फिर व्हाट्सएप पे थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा, मैं रिप्लाई फौरन नहीं करूंगा एज सून एज आई गेट द टाइम, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स की और टीचर्स की और फिर बहुत सारी क्यूरीज चल रही है, तो मे बी मैं व्हाट्सएप पे लेट रिप्लाई करूँगा, तो थोड़ा सा पेशेंस रखना, ये एक्सपेक्ट नहीं करना कि फौरन रिप्लाई आ जाएगा। ओके, तो व्हाट्सएप मुझे कर दीजिएगा, एनी प्रॉब्लम यू आ रही है नो प्रॉब्लम विद दैट, यूट्यूब पे कमेंट ड्रॉप कर दें,
LMS है, do leave your feedbacks behind, ठीक है? तो अगर आप LMS पे, कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे किया था कि सर हम कमेंट इसीलिए नहीं कर रहे क्योंकि उसमें पिक्चर्स और पूरी प्रोफाइल आ जाती है, तो आप भले LMS पे ना करें, मुझे ईमेल पे कर दें, आई विल रिस्पॉन्ड दैट अगेन. सिर्फ ये पेशेंस रखिएगा कि मैं फौरन रिप्लाई नहीं करूंगा, एक दिन लग सकता है या कुछ टाइम लग सकता है, तो उतना थोड़ा सा सिर्फ बेयर कीजिएगा मेरे साथ, ठीक है? वरना YouTube पे भी अगेन यू कैन चेंज योर प्रोफाइल पिक्चर और नेम वगैरह, YouTube पे कमेंट जरूर करो ताकि मुझे पता चले कि आप वीडियो भी देख रहे हो और वीडियो आपको समझ में आ रही है, अच्छी लग रही है, नहीं लग रही है, ठीक है? और ये मेरे चैनल को भी फिर प्रॉफिट होगा, फायदा होगा, मुझे भी लॉन्ग रन में फिर वीडियो मेरी जो है सारा अच्छी तरह यूज बढ़ जाएंगे, ठीक है? थैंक यू वेरी मच, इंशाल्लाह फिर जो नेक्स्ट क्लास में मुलाकात है.